हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कैमरा सेटिंग्स की नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक एक्सटर्नल माइक जो हम व्लॉगिंग के लिए भी यूज करते हैं या फिर हम कहें कि यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए भी यूज करते हैं। फिलहाल आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये मेरे बोया माइक की है जो कि यहाँ मैंने कूलर माइक यहाँ पर लगाया हुआ है। मैंने फ्लिपकार्ट से एक वायरलेस माइक मंगवाया है, तो आज की इस वीडियो में आपको उसकी अनबॉक्सिंग बताने वाला हूँ और साथ में उसकी ऑडियो में आपको सुनाऊंगा कि किस तरीके की ऑडियो इस माइक में आती है जो मैंने यहाँ पर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला माइक है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं क्या क्या इस माइक में हमें मिलता है और किस तरीके का ये माइक है। तो इस तरीके की पैकेजिंग दोस्तों हमें यहाँ पर मिलती है और चलिए हम इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का माइक हमें यहाँ पर मिला है इसमें। तो ये हमारा एक्सटर्नल माइक है, कूलर माइक। ये देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ये हमें बाहर से मिला है और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ के चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है और वायरलेस माइक्रोफोन यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर इसके स्ट्रेचिंग की बात करें तो लाइव शो में आप इसको यूज कर सकते हैं, साथ में इंटरव्यू में आप इसको यूज में ले सकते हैं, व्लॉग और शॉर्ट वीडियो में भी आप इसको काम में ले सकते हैं। और पीछे की अगर मैं बात करूं और प्लग एंड प्ले डायरेक्ट ये माइक है, ये चल जाता है, इसमें कोई अदर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें 2 मीटर्स तक की जो डिस्टेंस यहाँ पर दी हुई है, लेकिन इसका हम लाइव डेमो चेक करेंगे कि किस तरीके की आवाज़ हमें कितनी डिस्टेंस तक आती है। और इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, क्लियर ऑडियो है यहाँ पर इसमें दी हुई है। और हाई सेंसिटिविटी में ये जो माइक है ऑडियो रिकॉर्ड करता है, तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शन यहाँ पर इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए हम इसे अब ओपन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से हमने इस बॉक्स को ओपन किया है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारा मेन माइक है, ये देखिए। और मुझे लगता है शायद ये माइक पहले किसी ने यूज किया होगा तो ये यूज प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे भेज दिया है। चलो इसको हम बाद में देख लेंगे, पहले इसकी हम ऑडियो टेस्ट करेंगे कि किस तरीके की ऑडियो हमें यहाँ पे मिलती है। और ये इसका प्लगइन यहाँ पर दिया हुआ है और साथ में हमें यहाँ पर दिया हुआ है इसमें एक आईफोन प्लग सेट भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें हम इस तरीके से इसको इंसर्ट करके और अपने आईफोन में लगा सकते हैं। अगर आपके पास में एंड्रॉयड मोबाइल है तो इसको आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। और डायरेक्ट इसको मोबाइल में लगाने के बाद में इसमें यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है, ये देखिए इसमें एक स्विच दिया हुआ है। तो जैसे हम इसको स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये जो बत्ती है ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगी और जैसे यहाँ पर एक ग्रीन सिग्नल हमें मिल जाएगा तो इसकी जो कनेक्टिविटी है इससे हो जाएगी। ये देखिए अभी यहाँ पर ब्लिंक करने लग गई है और ये है, इससे कनेक्ट हो गया है। तो चलिए अब हम इसे अपने मोबाइल में कनेक्ट करके देखते हैं किस तरीके की ऑडियो में यहाँ पर इस माइक में मिलती है। और साथ में मिलता है हमें यहाँ पर इसमें एक केबल, तो इसकी मदद से हम इस माइक को चार्ज भी कर सकते हैं। आपके पास में अगर कोई सा भी मोबाइल है तो उसका जो एडाप्टर है उससे ये डायरेक्टली यहाँ पर चार्ज हो जाएगा। और इसमें जो प्लग है ये टाइप सी है जो इसमें मोबाइल में लगता है और ये एंड्रॉयड के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसे डायरेक्टली चेक करके देखते हैं कि किस तरह की ऑडियो आती है। फिलहाल आप बोया माइक से ये ऑडियो सुन रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर वायरलेस माइक को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है और इसकी ऑडियो किस तरीके की आ रही है फिलहाल मुझे नहीं पता। जब मैं इसको एडिट करके देखूंगा तो मुझे पता लगेगा कि किस तरीके की ऑडियो यहाँ पर इस माइक से आ रही है। अगर आपको ऑडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह माइक आपको कैसा लगा और इसकी ऑडियो कैसी है। और इसका एक आउटडोर वीडियो में इसके बाद में बताने वाला हूँ कि कितनी डिस्टेंस पर ये जो माइक है ये काम करता है। तो गाइस, मेरे पास में अभी ये वायरलेस माइक है और यहाँ पर मैं 5 फीट की डिस्टेंस पे अभी खड़ा हुआ हूँ और दूर जाके देखता हूँ कि इसकी ऑडियो कितनी आती है। और फिलहाल मैं आ चुका हूँ यहाँ पर 10 फीट की डिस्टेंस पे
और इससे ज़्यादा कितनी डिस्टेंस पे ये माइक काम करता है, तो तकरीबन मैं यहाँ पर 60 फीट की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ तक कितनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी इस वीडियो में आ रही है ये आप पता लगा सकते हैं, और कितना अच्छा ये जो माइक है ये काम कर रहा है, तो इसकी ऑडियो क्वालिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ वापस मोबाइल के पास में, और इसकी जो ऑडियो है वो आप कैसी आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यूज़फुल भी लगी होगी। अगर आपको ये माइक मंगवाना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये माइक आपको कैसा लगा।